For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हाशिम है और बाय प्रोफेशन मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी मेयो हॉस्पिटल से अपनी ग्रेजुएशन की है और मैं ऑलमोस्ट पिछले 6 से 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान नेशनल रग्बी टीम के साथ एज ए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट भी काम किया हुआ है, जिसमें मैंने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर डिफरेंट ममालिक में एज ए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं और मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में भी एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम किया हुआ है। करेंटली मैं फिजियोलॉजिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक में एज ए कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिजियोथेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें मुख्तलिफ वर्जिशों के ज़रिए या मुख्तलिफ मशीनरी के ज़रिए इवन हम हाथों के ज़रिए पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। लेट से पेशेंट हमारे पास पहले दिन किसी भी मसले के साथ आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कमर दर्द के साथ आता है, तो पहले दिन हम उसका फिजियोथेरेपी असेसमेंट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उसको क्या मसला है, किस तरीके से उसको ये दर्द स्टार्ट हुई, उसमें फिजियोथेरेपी असेसमेंट होती है। उसके बाद हम उसको बता देते हैं कि आपको ये मसला है और इसको हम फिजियोथेरेपी के ज़रिए इतने अरसे में बेहतर कर सकते हैं, और इसमें जिस्म के तमाम मसाइल आ जाते हैं, इवन बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक के पेशेंट्स को हम देखते हैं। फिजियोथेरेपी एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर पेशेंट की असेसमेंट कि उसको हम देखते हैं, उसके बाद उसका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं और उसके बाद फिर उसकी एक्सरसाइजेस चलती हैं और हम उसको देखते हैं कि पहले कहाँ था पेशेंट और अब कितना फंक्शनल है, कितनी वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है जो वो पहले नहीं कर सकता था। कायरोप्रैक्टिस बेसिकली जॉइंट्स एडजस्टमेंट मेथड होता है, जिसमें आप जिस्म के जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनको हाथ से ट्रीट करते हैं। फिजियोथेरेपी के अंदर कायरोप्रैक्टिस या एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, उसको हम बोलते हैं मैनुअल थेरेपी, हाथ के ज़रिए इलाज। फिजियोथेरेपी के अंदर ये तमाम तरीका इलाज पढ़ाया जाता है और ड्यूरिंग फिजियोथेरेपी एजुकेशन हर फिजियोथेरेपिस्ट को इस तरीका इलाज से मुतारिफ करवाया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि एक कायरोप्रैक्टिस का सेशन लें तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं और उसको बता सकते हैं। इवन ये फिजियोथेरेपिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिजियोथेरेपिस्ट देखता है कि क्या आपको उस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। सो फिजियोथेरेपी के अंदर ये डोमेन आती है कायरोप्रैक्टिस या मैनुअल थेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट के पास एक मरीज डायरेक्टली भी आ सकता है या हमें पेशेंट रेफ़र भी किया जाता है। बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसमें जिस्म में कहीं भी दर्द है तो पेशेंट डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट के पास ज़रूर आ सकता है। अगर हमें असेसमेंट के बाद लगता है कि पेशेंट को किसी और स्पेशलिटी के पास भेजने की ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह कमर दर्द है, अब कमर दर्द पट्ठों के खिंचाव की वजह से भी होती है, कमर दर्द डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से भी होती है, या कमर के अंदर जो मूवमेंट थोड़ी सी बेहतर नहीं होती उसकी वजह से भी कमर दर्द हो जाती है, तो हम जब फिजियोथेरेपी असेसमेंट करते हैं तो हमें तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स का पता लग जाता है। इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको रेफ़र कर देते हैं और इन्वेस्टिगेशंस फर्दर करवा लेते हैं। एज ए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिस तरह मैंने बताया कि पाकिस्तान नेशनल रग्बी टीम के साथ मैंने काम किया है। तो रग्बी एक ऐसा खेल है जिसमें जिसमें तमाम हिस्सों में चोट लग सकती है, चाहे वो सर की चोट हो, चाहे वो गर्दन की चोट हो, चाहे वो ऊपर बाजुओं की, कंधों की, इवन रिब्स तक आपकी फ्रैक्चर हो जाती हैं या डिसलोकेशंस भी हो जाती हैं। तो स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर मेरा काफ़ी इंटरेस्ट भी है और स्पेशलिटी भी है। और खिलाड़ियों में जब चोट लगती है तो अमूमन उनका ये ख्याल होता है कि अब उनका कैरियर ख़त्म हो गया है। तो मैं पिछले 6 से 8 साल की जो प्रैक्टिस है उसमें मुख्तलिफ पेशेंट्स के साथ काम किया है, उसमें नेशनल प्लेयर्स के साथ भी काम किया है, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी काम किया है जो दुनिया भर में खेलने जाते हैं। तो एक खिलाड़ी को उसके जिस्म के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, और फिजियोथेरेपिस्ट जब एक खिलाड़ी के साथ उसकी इंजरी और उसकी इंजरी की बहाली यानी कि रिहैबिलिटेशन पर काम करता है तो हम वो तमाम चीज़ें और वो तमाम एक्सरसाइजेज एक एथलीट को सिखाते हैं, जिससे अगर उसको ज़िंदगी में कभी दोबारा भी चोट लगे तो वो अपने आप को बेहतर से बेहतर कर ले। और स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी इंजरीज हैं, लेकिन अमूमन जो आजकल खिलाड़ियों को टांगों के अंदर मसला हो जाता है या घुटने में, अमूमन आपने सुना होगा ACL इंजरी,
कि उसमें आपकी रस्सी टूट जाती है, तो अगर उसका ऑपरेशन होता है या इवन आर्थरोस्कोपी होती है जो कैमरे के ज़रिए इलाज किया जाता है, उसके बाद भी पेशेंट को ग्राउंड से पहले तक, ग्राउंड में जाने से पहले तक फिजियोथेरेपी के ज़रिए, मुख्तलिफ वर्जिशों के ज़रिए बेहतर किया जाता है। और मैं तमाम एथलीट्स को ये सजेशन भी दूंगा कि अगर वो चाहते हैं कि लाइफ में अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस पर खेलें, तो वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, स्पेशली स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के साथ अपना राबता या लाइज़ॉन ज़रूर रखें। मुआशरे में जो स्पेशल बच्चे होते हैं या जिस्मानी माजूरी के साथ जो बच्चे होते हैं, उसमें हम एज ए फिजियोथेरेपिस्ट उनकी बहुत मदद कर सकते हैं। बच्चे को और ख़ास तौर पर उसके पेरेंट्स को या उसकी मदर को समझाना कि आपने बच्चे को किस तरह पालना है और किस तरह बच्चे ने फिज़िकली यानी कि जिस्मानी तौर पर बेहतर होना है, उसके बैठने से खड़े होने तक और चलने तक तमाम मराहिल के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। बुढ़ापे में बहुत से मसाइल होते हैं जिसमें अमूमन जोड़ों का तब्दील हो जाना या पार्किंसंस या खुदा नखास्ता फालिज हो जाना, इन तमाम कंडीशंस के अंदर पेशेंट्स को एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम उनकी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं, उनको वर्जिशें सिखाते हैं या अमूमन जो रोज़मर्रा के काम होते हैं पेशेंट्स कुछ इस उम्र में जाकर वो भी नहीं कर सकते, तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम तमाम एक्सरसाइजेस के ज़रिए उनको बेहतर कर सकते हैं। पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो लाजिम बात है दर्द होती है तो आते हैं, और ये एक मिसकंसेप्शन है कि फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट से पेशेंट की दर्द बढ़ जाती है। ऐसा कतन नहीं होता। हम जब पेशेंट का इलाज करते हैं तो उसको बताकर भेजते हैं कि अगर आपकी दर्द बढ़ती है तब भी आपने हमें बताना है, या आपकी दर्द कम होती है तब भी आपने हमें बताना है। कुछ बीमारियाँ या कुछ दर्दें ऐसी होती हैं जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो कुछ ड्यूरेशन के लिए रहती हैं। जिस तरह अगर हम बात करें कंधा जम जाना, फ्रोजन शोल्डर की बात करें, तो अगर पेशेंट हमारे पास पहले एक महीने के अंदर आता है तो वो स्टेज ऐसी होती है जिसमें पेशेंट की दर्द शदीद बढ़ी हुई होती है, तो उस केस में हम वो तरीका इलाज, हम फिजियोथेरेपी में वो जिस तरह इक्विपमेंट या मशीनरी यूज़ करते हैं जिसमें पेशेंट की दर्द कम हो, उसके बाद फिर हम उन वर्जिशों की तरफ आते हैं जिससे उसके बाजू की रेंज ऑफ मोशन, जिसमें उसकी बाजू पूरा खुलना या उसकी ताकत पूरी हो। तो ये मिसकंसेप्शन है कि पेशेंट की दर्द बढ़ जाती है, और मैं कतन इस चीज़ से एग्री नहीं करता। तो मैं पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ कि इवन अगर आपकी दर्द बढ़ती भी है तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को बताएं कि कल के सेशन से हमारी दर्द बढ़ी है, तो फिजियोथेरेपिस्ट उनको वो एक्सरसाइजेज या वो मोडेलिटीज़ यूज़ करेगा जिससे फर्दर उनकी दर्द कम हो। औरतों के अंदर काफ़ी मसाइल होते हैं जिसमें हम एज ए फिजियोथेरेपिस्ट उनकी हेल्प कर सकते हैं, जिसमें एक मसला है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिस्म में ख़ासतौर पर कमर में दर्द हो जाना या जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होना, तो हम एज ए फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ ऐसी तरीका बैठने का, लेटने का, और लाइफस्टाइल के अंदर किस तरह उन्होंने मूव करना है, कुछ ऐसी वर्जिशें बताते हैं जिससे पेशेंट कदर हद तक बेहतर हो सकता है। उसके अलावा भी औरतों में यूरिन का प्रॉब्लम होता है, यूरिन कंट्रोल का प्रॉब्लम होता है, वैसे ये आफ्टर 40 या 50 ईयर्स प्रॉब्लम आता है, तो उसके अंदर भी हम पेशेंट को एक्सरसाइजेस के ज़रिए बेहतर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें और मेरी अपॉइंटमेंट लें, तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे रابطہ कर सकते हैं, एंड आई होप कि इंशाल्लाह एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपको बेस्ट फैसिलिटेट कर सकूँगा। थैंक यू।